कि जहां सालों बाद कांग्रेस का शासन आया तो लोगों ने सोचा कि अब कुछ भ्रष्टाचार कम होगा। जी हां, भाजपा शासन में हालत यह थी कि सरकार दफ्तर में कोई भी काम बिना रिश्वत लिए नहीं होता था। अब कांग्रेस शासन में हालत यह है कि रिश्वत तो ली जा रही है, लेकिन कोई यदि इसकी शिकायत करता है तो उसे जान से मरवा देने की धमकी दी जा रही है। जी हां, ऐसी एक घटना पत्रकार के साथ हुई। आप धमकी का ऑडियो और रिश्वत का वीडियो सुनकर देख सकते हैं। पहले आप सुनिए ये धमकी भरा ऑडियो। अरे यार, आप वीडियो को काहे वायरल कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा है आपका क्या हुआ। अभी एक पत्रकार फोन किया था, वो पत्रिका वाला ब्यूरो चीफ है हमारे। वो नहीं, जो भी है, मेरे कहने का मतलब ये है यार, आप एक तो अपने रजिस्टर में साइन किए हो ना, आप आवेदक भी नहीं हो, फिर भी मैं बोला चलो फिर ले रहे हैं करके, तो आप यार ऐसे करोगे बताओ। नहीं नहीं, आप भाई आप तो बोले थे था पोप। हाँ, क्या बोला था मैं? क्या बोले थे आप, याद करो ना उस दिन आवेदन देने का समय। नहीं बताइए ना क्या बोला था, उसी चीज को बताइए बोलो भाई। मेरे को दिवाली खर्चा चाहिए करके। नहीं यार, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने साफ साफ बोला भाई आवेदक को भेजो, आवेदक से बात कराए, हम आवेदक से बात कराए ना, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके ऑफिस में जा रहा हूँ, आवेदक से बात कराऊंगा, समझ जाओगे कौन है। हाँ, कौन नहीं है, नहीं समझेंगे। देखो यार, अब जो जस्सी हो कर रहे हो सब खबर लगेगा साहू जी, वो ऐसा तो है नहीं, खबर क्या ब्यूरो चीफ हमारे, वो जिला को देखते हैं पूरा पत्रिका में। आप तो पंगा ले रहे हो यार, ये बात कर लीजिए एक बार, जो भी है जैसा भी है, आप जो करना है खा लेना यार, अगर मेरा कुछ होगा ना तो तुम लोग को साला उड़वा दूंगा बंदूक में, देखना। ठीक ठीक, तो जितना मेरा नौकरी जितना जाएगा ना, कुछ भी होगा देख लो, मैं तो पैसा उसमें वो स्पष्ट नहीं कि पैसा मांगा हूँ, आप मैं जो भी देख लिया हूँ, जो खाना है वो खा लो, बात कर लो। ठीक ठीक, और मैं अभी मैं देखता हूँ आपका क्या भी कर सकता है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ोगे ना, जब मैं कुछ किया नहीं हो तो अभी जबरदस्ती ऐसे कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, फिर देख लो जो काम तो खा लो, हाथ रिकॉर्डिंग हुआ है ना। नहीं, जो खाना है वो खा लो ना, अगर मैं अगर गलती किया हूँ मैं भुगतूंगा, अगर तुम गलती की हो तो तुम भुगतोगे, उसका क्या कर सकता हूँ, उसको मैं भी दिखा रहा हूँ मेरा भी पहुँच कहाँ तक है उसको। ठीक है ना। हाँ, तो आपने सुना कि बाबू कैसे पत्रकार को गोली से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। जी हाँ, जांजगीर चांपा जिले के भैमनी डी विकास खंड के रहने वाले एक पत्रकार ने थाने में इसकी लिखित शिकायत की है। जी हाँ, शिकायतकर्ता पत्रकार आजम खान ने शिकायत में बताया कि वह 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे एसडीएम कार्यालय चांपा गया हुआ था। उसे शिकायत मिली थी कि वह पदस्थ बाबू चेतेश्वर साहू बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता है, और रिश्वत ना मिलने के कारण काफी समय से उसके रिश्तेदार और दोस्त का फटाका लाइसेंस नहीं दे रहा है। आजम पीड़ित बनकर बाबू चेतेश्वर के पास गया और फटाका लाइसेंस का कागज मांगा। चेतेश्वर ने दिवाली का खर्च मांगा तो उसने उसे 500 रुपए बतौर रिश्वत दी। दूसरा लाइसेंस मांगने पर बाबू ने फिर रिश्वत की मांग की। यह अब आजम ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। जब बाबू को इसकी जानकारी हुई तो उसने आजम को फोन करके धमकी दी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। आजम ने कहा कि वह खबर प्रकाशित करेगा, बाकी क्या होगा यह शासन प्रशासन तय करेगा। इस पर बाबू ने उसे साफ कहा कि उसे कुछ हुआ तो वह उसे गोली से मरवा देगा। इसे आजम और उसके परिवार वाले काफी डरे हुए थे। उसने भैमनी डी थाने में लिखित शिकायत करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।